भी कभी नहीं देखा। और 360 में ये भी है ना कि फोर्थ वॉल ब्रेक नहीं हुई ऑडियंस के साथ, जो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, जिसकी सबसे ज्यादा रिस्क होता है, तो ऑडियंस को बिठाना, लेकिन तब भी फोर्थ वॉल ब्रेक नहीं होना, तो बहुत ज्यादा और जैसा उन्होंने कहा फुली एग्री विद हिम, वो सारे वाइब्रेशंस वी वर गेटिंग एवरीथिंग जो तुम चाह रहे थे कि वो फील हो हमको, बट वो इंटरनल फीलिंग भी आ रही थी, वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी कैरेक्टर्स में, इमोशन, तो वी ऑल्सो वेंट थ्रू दैट होल जर्नी। मतलब यू डिड इट सो वेल, और उन सब में सबसे ज्यादा तो इट वॉज योर डायरेक्शन। पहली बार देखा है आधे अधूरे जो शुभम बारी सर ने जो डायरेक्ट किया था नाटक, वो मैंने देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं उससे मतलब मैं बहुत हद तक उससे कनेक्ट कर पाई, और जो भी कास्ट था मतलब जितने भी लोग थे सबने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी, काबिले तारीफ परफॉर्मेंस था सबका। थोड़ी देर के लिए लग ही नहीं रहा था कि सपना में हो रहा है, आज कह नहीं सकता कि कोई पीछे रह गया, छोटी छोटी से मैं इसकी में नशे देख रहा था। बहुत मुश्किल से होता है सर, क्या बहुत मुश्किल से मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी, हो कायागार से काचीर जैसे ओस ना मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, ऐसा सख्त था महाराज जिनका पुलकों में राज, जिन घर झूलता हाथी, ओ जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल